हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे का जो आप लोग टिकट बुक करते हैं उसका सबसे बेस्ट पेमेंट मेथड कौन सा होता है, कौन सा पेमेंट ऑप्शन यूज़ करके टिकट इजीली और जल्दी फास्ट बुकिंग होगा। जैसे कि तत्काल टिकट बुकिंग के समय हमें कौन सा बेस्ट पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे बेस्ट पेमेंट ऑप्शन होता है QR कोड। QR कोड से आप बहुत जल्द फास्ट बुकिंग करके आप टिकट कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो कंफर्म तो कर ही सकते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में लाइव एक नॉर्मल टिकट बुकिंग करके दिखाने वाला हूँ कि QR कोड कैसे काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं इंदौर टू हावड़ा एक टिकट बुकिंग कर रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड एसी में मैं बुक करूँगा, शिप्रा एक्सप्रेस में 2291 वो गाड़ी का नंबर है। इसी ट्रेन में मैं एक टिकट बुक करके आप लोगों को लाइव दिखाऊँगा कि QR कोड कैसे वर्क करता है, वो फास्ट बुकिंग होता है कि नहीं, उससे वो आप तत्काल में भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पेमेंट ऑप्शन है, मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है। पता नहीं आप लोगों के लिए बेस्ट है कि नहीं, वो आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा ये QR कोड स्कैनिंग वाला पेमेंट ऑप्शन। ठीक है, तो जैसे कि मैं पैसेंजर का नाम ऐड कर रहा हूँ। पैसेंजर का नाम ऐड करने के बाद मैं कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स फिल कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद नो, मुझे इंश्योरेंस, हम ज़्यादातर इंश्योरेंस नो ही करके रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आप पेमेंट मोड पे जाकर सेकेंड वाला ऑप्शन जो देख रहा है, पेमेंट थ्रू भीम UPI। ठीक है, तो आप वो मत समझिए कि UPI ID डाल के पेमेंट होता है, वो नहीं है। आप देखिए ठीक से, लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो पे थ्रू भीम UPI पे क्लिक करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू कर दे। कंटिन्यू करने के बाद आप रिव्यू जनने एक बार आप चेक कर ले, पैसेंजर का नाम, एज, जेंडर सही है कि नहीं, आप एक बार चेक कर ले। ठीक है, चेक करने के बाद आप कैप्चा फिल करके कंटिन्यू कर दे। जैसे कि मैं कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, कैप्चा फिल कर चुका हूँ, इसके बाद कंटिन्यू में कर दे। कंटिन्यू करने के बाद आप तीन नंबर पेमेंट मेथड में देख रहे हैं, तीन नंबर में भीम UPI ID लिखा हुआ, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद पे यूजिंग भीम पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद देख रहे हैं एकदम संग QR कोड ओपन हो चुका है। अगर आप अपना फ़ोन पे में पहले से स्कैनिंग ऑन रखे हैं तो आप तुरंत स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं और बहुत जल्दी फास्ट बुकिंग होता है। आप प्लीज़ एक बार करके देखें, आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सारा पेमेंट ऑप्शन से सबसे बेस्ट पेमेंट ऑप्शन है ये QR कोड स्कैनिंग। तो मैं पेमेंट कर चुका हूँ अपना इस फोन पे से। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा RAC टिकट कन्फर्म बुकिंग हो चुका है। ऐसे ही तत्काल टिकट भी बुक कर सकते हैं एकदम ईजिली QR कोड स्कैनिंग से। ठीक है, मैं तो ऐसे ही बुक करता हूँ। सो आई होप कि आप सभी को हमारा ये जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुँच सके।